फेसबुक पर देखने वाले मेरे परिजनों, आप सभी को प्रेम भरी जय माता दी। हर रोज़ की तरह मैं सोमनाथ शर्मा आप सभी का अपनी आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। विनती और आग्रह करूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको एहसास ज़रूर होगा जैसे सच में आप सब माँ वैष्णो देवी के एक अलौकिक यात्रा और दर्शन कर रहे हैं। सिर्फ आपके 5 मिनट मांग रहा हूं साथियों, और वीडियो देखने के बाद तुरंत शेयर जरूर कर दें। एक ट्रैवल गाइड होने के नाते मेरी तरफ से जितना भी प्रयास कोशिश रहेगा, मैं साथियों आप सबके लिए छोटी मोटी जानकारियां अपनी वीडियो के माध्यम से आगे भी लेता आऊँगा। व्यक्तिगत अगर आप सभी को मैं दिल की बात कहूँ तो आप सब मेरे फेसबुक परिवार के माध्यम से जुड़े हुए सभी मेरे फेसबुक परिजन हैं, पर आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का मैं हमेशा प्रयास करता रहूँगा। जिस प्रकार की भी जानकारियां आप पूछेंगे, मैं सही जानकारियों से आप सभी को रूबरू करता रहूंगा। आप सभी मित्रों से आग्रह है कि आप आइए जम्मू कश्मीर और बदलते हुए जम्मू कश्मीर की देखिए तस्वीरें। दिन ब दिन जो है पर्यटकों की संख्या बढ़ती चली आ रही है, और मेरे जैसे स्थानीय नौजवान हुनर से रोजगार तक की ओर जा रहे हैं। इसलिए अब आप अपने घर से बैठकर ही यात्रा का विवरण डिजिटली तरीके से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और ज़रूरत पड़े मेरी कमी का कहीं भी अगर आपको एहसास लगे तो साथियों संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल जिन साथियों ने अभी तक मेरे पेज को लाइक नहीं किया है या फिर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो उन साथियों से, उन चाहने वालों से आग्रह है कि फॉलो ज़रूर कीजिए, और साथ साथ में मेरे YouTube चैनल डेली यात्रा व्लॉग पर जाइए और वहां पर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथियों यात्रा से जुड़ी जानकारियों में अगर कोई भी मन में सवाल हो तो मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, जिसका नाम डेली यात्रा व्लॉग है। साथियों अगले 2 से 3 मिनट तक मैं कोशिश करूंगा कि माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी जानकारियों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मौसम की ताज़ा जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल यात्रा की साथियों मैं अगर आंकड़े की बात करूं तो बीते कल लगभग जो है 25,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने माता वैष्णो देवी के दरबार परिवार संघ जो हैं दर्शन किए हैं। साथियों मैं ये जानकारी एक बार फिर आप तक साझा करना चाहूँगा, बीते कल जो है लगभग 25,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने परिवार संघ जो है माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाई है। इसके साथ साथ बात करूँ तमाम सुविधाएं जैसे घोड़ा, पिट्ठू, पालकी और अर्धकुंवारी से चलने वाली भवन तक बैटरी कार की सुविधा के साथ साथ भवन से चलने वाली रोपवे सुविधा भैरव घाटी तक श्रद्धालुओं के लिए आज उपलब्ध। अधिकांश श्रद्धालु जो है अपनी पैदल यात्रा ही करते हैं, क्योंकि एक व्यक्तिगत कोशिश भी रहनी चाहिए हम सब की कि ज़्यादातर जो तीर्थ यात्राएं रहती हैं उन्हें पैदल ही करना चाहिए साथियों, ताकि हम जो आसपास के धरती और प्रकृति के नज़ारे को भी अच्छे से देख पाएँ, अनुभव कर पाएँ। अगर साथियों मैं बात करूं मौसम की तो मौसम का नज़ारा भी साथियों बेहद सुहाना है। आज पूरे समूचे त्रिकुटा पर्वत पर खुली धूप छाई हुई है, और साथ में नगर कटरा में भी बेहद सुहाना मौसम बना हुआ है, जिसका नज़ारा जो है देश विदेश से आने वाले हर एक पर्यटक जो हैं ले रहे हैं। साथियों अगर मैं बात करूं माता वैष्णो यात्रा के बाद अगर आपके पास समय हो तो स्थानीय आसपास के मंदिरों के दर्शन जरूर कीजिए, और साथ में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल देखना भी मत भूलिए। अगर आप कटरा आ रहे हैं तो कटरा से लगभग 50 किलोमीटर दूर है जे दुनिया का अजूबा। धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।